हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद मेरी वीडियो आ रही है मेरे चैनल पर। एक्चुअल में दोस्तों, मैं ऑफिस के कारण अभी कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया हूँ, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। आज मेरा ऑफ था ऑफिस का, सोचा मैं कुछ अपडेट दे दूँ आप लोगों को। कबूतर सारे फिट हैं दोस्तों, और बारिश के टाइम में आप लोगों को जैसे पता है, मैं हर साल ये कवर कर देता हूँ पन्नी से पूरा टेरिस, तो पूरा कवर कर दिया हूँ। और अपने कबूतर ये हैं दोस्तों, सारे फिट रखे हैं अभी कबूतर। बारिश के टाइम में जैसे कि पता है आप लोगों को, देख रेख बहुत करनी पड़ती है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इस टाइम मैंने अभी ब्रीडिंग ऑफ करके रखा हूँ, अब मैं बच्चे नहीं निकलवा रहा हूँ। ये देखिए भाई, लॉफ्ट भी बिल्कुल सूखा है मेरा, प्रॉपर साफ़ सफाई रख रहा हूँ अभी यहाँ पर भी, यहाँ पर खुला हुआ है। यहाँ से जैसे पानी आता है तो मैं रैगजीन यहाँ पर लगा देता हूँ, कवर हो जाता है यहाँ से, और अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए, कोई भी बॉक्स में अभी बच्चे नहीं निकले हुए हैं, सारे बॉक्स खाली हैं। और ये एग्स जो रखे हुए हैं, ये सब आर्टिफिशियल है दोस्तों, मैंने मंगवाया था, जो सब में फेक एग रखे हैं, कहीं भी बच्चे नहीं हैं। और लॉफ्ट देखिए पूरा सूखा है मेरा, और क्योंकि गंदगी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अभी बारिश के टाइम में, तो बीमारी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों कबूतर, ये हैं सारे के सारे कबूतर, और इतने ही कबूतर है दोस्तों, कुछ अंदर है जो कि मैंने अभी दिखा दिया आप लोगों को। और ये रखा हुआ है इनका दाना, दाना भी मैं ये चला रहा हूँ, फ्रेश दाना है दोस्तों, मैं दाना दूंगा कबूतरों को। कमेंट करके बताना दोस्तों, आपके कबूतर कैसे हैं अभी, और बारिश में कैसे हैं कबूतर आपके, और किस तरीके से आप लोग भी देखभाल कर रहे हैं कबूतर की। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि वीडियो आपकी बहुत लेट आती है, वीडियो आपकी लेट आ रही है, तो भाई मैंने रीज़न बता दिया, ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त था, बिजी था, जिसके कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी। कोशिश करूँगा वीडियो आए मेरे चैनल पर। ये देखिए दोस्तों, पूरा टेरेस कवर है, यहाँ तक पन्नी लगी हुई है, और फिर ये देखिए बाहर का नज़ारा, पतंगे उड़ रही है। कवर मैं इसलिए कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि छत गीला हो जाता है, फिर कबूतर बाहर खोलते हैं तो दिक्कत होती है। और अभी पूरा टेरेस सूखा रहता है, शाम के टाइम मैं कबूतर खोलता हूँ रोज, मॉर्निंग टाइम तो खोलता नहीं हूँ। तो अब दाना देते हैं कबूतरों को। ये देखिए बिल्कुल ट्रे बिल्कुल साफ है। बारिश में भाई इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तीन ट्रे रखेंगे यहां पर। बाहर अंदर के कबूतर भी बाहर कर दूं पूरे पहले। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक भाई ये बैठा है, इसको भी बाहर कर देते हैं, क्योंकि अंडे सब नकली रखे हैं इनके नीचे। सारे कबूतर बाहर हो गए हैं। अब देते हैं दोस्तों दाना। अब ये जब इतना दाना कंप्लीट फिनिश कर देंगे, उसके बाद में मैं फिर दूंगा इनको। लास्ट बच्चा ये निकला हुआ है दोस्तों, ये बैठा हुआ है,
आँख के बाद इसको फुंसी हो गई है, अभी इसका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अभी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि बीमारी इसी टाइम आती है, और कबूतर आप कहीं से भी लेके आओ मैं और लेके आते हो तो पहले वहां देख लो सब कुछ ठीक है, उस टेरेस पर कोई बीमारी तो नहीं है, और लेके आते हो तो कुछ दिन उसको अलग रखो फिर अपने कबूतरों में मिलाओ। जैसा कि मेरे पास साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, जैसे मेरे पास दो ड्रिंकर है तो देखिए एक मैंने ये पूरा सूखा हुआ है, सुबह टाइम मैंने इसको धो दिया था और पलटा के रख दिया था जिससे सूख जाए, पानी से ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। और ट्रे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया पूरी फ्रेश मतलब सूखी हुई थी, क्लीन बिल्कुल। आप ये इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बीमारी नहीं आएगी दोस्तों, और आपके कबूतर ही बिल्कुल फिट रहेंगे। वहाँ पर जो ईंटे रखे हुए हैं उसमें सारे में मिट्टी डली हुई है तो मिट्टी भी खाते रहते हैं प्रॉपर, जिसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती कबूतरों को। तो दाना फ्रेश कर दिए दोस्तों, उस ट्रे में थोड़ा बहुत बचा है तो अब मैं फिर से दे देता हूँ उनको। तो दाना खा लिए कबूतरों ने दोस्तों, और कुछ कबूतर परेशान हो रहे हैं अंदर जाने के लिए जो अंडे में बैठे हुए हैं, तो वो उनको अंदर कर देते हैं अपन। ये सब अंडे वाले हैं, सो इनको अंदर कर दिए। और अब पानी दे देते हैं इनको, फ्रेश वाटर। ये रहा दोस्तों पानी, ये हो गया इनका दाना पानी दोस्तों। सो इसी तरीके से आप लोग भी भाई ध्यान रखें साफ सफाई का। अभी जैसे कि मैंने लॉफ्ट दिखाया अपना, ये देखिए पूरी साफ सफाई है, कहीं आपको ऐसी बीट जमी हुई नहीं दिखेगी जैसे कुछ लोगों के लॉफ्ट में रहती है, बिल्कुल पट्टे के पट्टे जमे रहते हैं। तो उस बात का ध्यान रखें दोस्तों, कीड़े होते हैं ज़्यादा बीट में, तो साफ सफाई रखें लॉफ्ट पर। वेंटिलेशन का कोई यहाँ पर वो नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर है यहाँ पर, खुला हुआ रहता है। जैसे बारिश होती तो फिर मैं वो रैगजीन लगा देता हूँ, और ऊपर भी खुला हुआ है दोस्तों के दोस्तों। और दोस्तों अभी मैंने ब्रीडिंग इसलिए ऑफ कर दिया हूँ क्योंकि बच्चे सही से पल नहीं पाते हैं बारिश के टाइम, क्योंकि पूरा लॉफ्ट गीला होता है, बीट सूखती नहीं है, और उनकी पेटी के जो खाने हैं वहाँ पर वो भी सूखते नहीं हैं, तो दिक्कत होती है। सो अब मैं ठंड में लगाऊंगा जोड़े, अभी फ़िलहाल जोड़े लगे हुए हैं बट मैं बच्चे नहीं ले रहा हूँ उनसे। और अभी मैं ठंड के बाद कुछ कबूतर भी कम कर दूँगा, जो मैंने सेलेक्ट किया हूँ वो बस रखूँगा और हटा दूँगा कबूतर, कम कबूतर करना है मेरे को। सो दोस्तों कबूतर मैंने पूरे अपने अंदर कर दिया हूँ, और सब अपनी अपनी जगह में जाकर बैठ चुके हैं, कुछ अंदर बैठे हैं। अभी मैंने पार्टीशन खोल के रखा हूँ क्योंकि मैंने पूरे कबूतर अपने मिक्स कर दिया हूँ, अलग अलग नहीं किया हूँ अभी मैंने, सारे मिक्स हैं कबूतर। सो इसी तरीके से देखभाल करें दोस्तों अभी कबूतर की, और पानी में हफ्ते में एक ढक्कन ब्रूटॉन एक ढक्कन विमरल मिलाकर देते रहें हफ्ते में एक बार, जिसमें इनका डाइजेशन सिस्टम सही रहे क्योंकि बारिश में दिक्कत होती है दाना बचाने में। तो ये देते रहें आप, जिससे आपके कबूतर फिट रहें बिल्कुल। कुछ दाना मैंने जो बचा था वो अंदर रख दिया हूँ, तो जिनको अभी भूख लगी होगी वो खा लेंगे। सो यही था आज का वीडियो, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, जिसमें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।